हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ब्रेड कस्टर्ड। मैंने इसे बिल्कुल नए अंदाज में बनाया है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। अभी रमज़ान के करीब आ रहा है, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ मैंने 1 लीटर दूध लिया है, इसे मैं उबाल लूँगी। पहले थोड़ा सा दूध मैं निकाल लेती हूँ। यहाँ कस्टर्ड लिया है मैंने 2 चम्मच। इसमें मैं दो चम्मच दूध निकाला है, ठंडाई दूध है, इसको मैं निकाल के किनारे रख देती हूँ और दूध को मैं उबाल लेती हूँ। इस मीठी रेसिपी में हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, हमें बस कुछ ब्रेड स्लाइस चाहिए, बटर चाहिए, चीनी चाहिए और ये जो मैंने कस्टर्ड पाउडर और ठंडा दूध जो मिलाया था वो है। यहाँ मैंने थोड़ा सा गर्म पानी लिया है, जिसका मैं थोड़ा सिरप तैयार कर लूँगी। ये इसमें मेल्ट हो जाएगा, तब तक मैं स्लाइस को कट कर लेती हूँ। मैं यहाँ ब्रेड की शेप दे देती हूँ, इसे आप कोई भी शेप में कट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसे गोल कट कर ले रही हूँ, मैंने एक छोटी कटोरी ली है। मैं 2 शेप दूंगी, एक बड़ा और एक छोटा। छोटे के लिए मैंने हॉर्लिक्स का कवर लिया है। इसी तरीके से मैं सारे ब्रेड को कट कर लेती हूँ, शेप दे देती हूँ। यहाँ हमारे दूध में उबाल आ चुका है, अब इसमें मैं शुगर ऐड कर देती हूँ। हमारी चीनी अच्छे से घुल चुकी है, अब मैं इसमें ऐड करूँगी ये कस्टर्ड का घोल। आप इसे चलाते हुए ऐड करें। इसे 1 मिनट तक चलाते रहना। तो यहाँ हमारा कस्टर्ड रेडी हो गया है, आप इसका थिकनेस देख सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होना है, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं होना है। और जब ये ठंडा होगा तो थोड़ा थिक हो जाएगा। तो ये हमारा बिल्कुल तैयार है। यहाँ मैंने एक तवे में जो मैंने अपना बटर रखा था वो मेल्ट कर लिया है। यहाँ मेरे जो ब्रेड है सारे कट चुके हैं, अब मैं इसे शैलो फ्राई कर लेती हूँ। इसे गोल्डन ब्राउन होने तक हमें फ्राई करना है, तो मैं सारे ब्रेड्स को फ्राई कर लेती हूँ। तो यहाँ हमारी जो कस्टर्ड है वो भी तैयार है और मैंने मेरे ब्रेड्स भी तैयार है। अब मैं इसे डिश आउट कर लेती हूँ। मैं इसे लेयर के हिसाब से प्याले में एडजस्ट करूँगी। इसके ऊपर से मैं शुगर सिरप ऐड करूँगी। मैं इस पर कस्टर्ड ऐड कर रही हूँ। इसे लेयर के हिसाब से मैं डिश आउट कर लेती हूँ। मैंने यहाँ 3 साइज़ के ब्रेड्स कट किए हैं, तो इसे मैं डिश आउट कर लेती हूँ। मेरी रेसिपी तैयार है, मैंने इसे 1 घंटे के लिए फ्रीज में रखा था। आप इसे ज़रूर ट्राई करें और हमें कमेंट में बताएं कि कैसी लगी हमारी रेसिपी। हमें लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन है उसे ज़रूर दबाएँ ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे।